लेवा बोर्ड से वापस फुकेत 21 तारीख को पहुँचे और 21 तारीख को पतोंग बीच रोड जाके दोबारा घूमे। फिर कल एक तरीके से रेस्ट डे था 22nd। एक्चुअली मैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर प्लान था पर सोचा रेस्ट करते हैं, तो होटल में रुक के आराम से रेस्ट किया। बाहर चले गए, फुल बॉडी मसाज करानी थी, एक एलोवेरा मसाज थी डीटैन करने के लिए। वो होटल में पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये एक टिप कि अगर आप एक अच्छे हाई क्लास होटल में रह रहे हैं तो वहाँ पे सेम मसाज के लिए जो कॉस्ट होगी, अगर आप बाहर जाएंगे तो उससे प्रॉब्ली 1/3 या 1/4 कॉस्ट पे आपको सेम सर्विस मिल जाएगी, नॉर्मल मसाज। अच्छा, फिर आज 23rd अप्रैल, आज का दिन है फीफी आइलैंड टूर के लिए, सिंगल डे टूर है। करीब 5 बजे वापस यहाँ पे पहुँचेंगे, ये ड्रॉप पॉइंट है कैब का, और यहाँ से फिर स्पीड बोट से फीफी आइलैंड जाएंगे। वहीं पे फिर आइलैंड पे करीब 1 बजे या 2 बजे के आसपास लंच ब्रेक, एंड देन वापस फिर फुकेत आएंगे। पहला स्टॉप ओवर है माया बे, और क्या गजब भीड़ है, मतलब सब तरफ लोग। गर्मी का मौसम है वैसे भी यहाँ पे, और धूप बहुत ज़्यादा है, और इस बीच पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, आप बस फोटो शोटो खींच सकते हैं। पूरे टाइम नज़र रखते हैं बीच सिक्योरिटी वाले लोग क्या कर रहे हैं। ये है पिले लगून, यहाँ पे स्विमिंग का ऑप्शन है और कुछ नहीं, स्नॉकलिंग वगैरह कुछ नहीं,
आप चाहें तो यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, जो लोगों ने करनी शुरू कर दी। और एक लॉन्ग टेल बोट, लॉन्ग बोट से घूम सकते हैं, जिसके लिए शायद 1500 बात चार्ज करेंगे। तो वो लॉन्ग बोट से जाने का तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ वर्थ नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर स्विमिंग करना चाहें तो, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो स्विमिंग की जा सकती है, वो एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन होगा। आइलैंड, ये नेक्स्ट स्टॉप ओवर है। खासियत सिर्फ इतनी है कि बंदर दिखते हैं यहाँ पे, और आप बंदरों की फोटो खींच सकते हैं, और कुछ ऐसा व्यू है। यह है मेन फिफी आइलैंड, फिफी आइलैंड। तो क्या था, हाँ यहाँ पे लंच हुआ। लंच में ज़्यादातर नॉनवेज ऑप्शंस, तो अगर सिर्फ वेज खाते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा बंदोबस्त करके लाएं। और मेन फिफी आइलैंड पे स्टे का ऑप्शन होता है, आप चाहें तो रात में रुक सकते हैं और आराम से नेक्स्ट डे सेम बोट से वापस जा सकते हैं। वैसे तो खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, आइसक्रीम वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर इशू होने वाला है अगर सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ये जहाँ पे आपका टूर ऑर्गेनाइज़र बुफे के लिए जहाँ पे आपको लेकर जाएगा, जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड होगा, उससे अलग सर्च करना है।